सेगमेंट का सबसे क्लियर और सबसे वाइड एंगल प्रोवाइड कराते हैं इसके कैमरास। इसमें देखेंगे आप बिल्कुल भी लैग नहीं है, फुल्ली फंक्शनल टच स्क्रीन है ये चीज़। अच्छा कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है किसी कस्टमर को? सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और देखो यार आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करेंगे ना भाई, वो है टाटा की कर्व। मैंने इससे पहले बसाल्ट का भी रिव्यू दिया था तो आप लोगों का भाई एक ही कमेंट था कि भाई जो टाटा कर्व आई है 17.5 लाख में आई है। तो देखो यार एक्चुअल प्राइस है क्या, जो 17.5 लाख प्राइस थे ना वे थे अपना ईवी के। क्यों भाई जी, वे ईवी के प्राइस थे। तो अभी भाई डीजल और पेट्रोल के प्राइस आए हैं, स्टार्टिंग प्राइस क्या पड़ेगा इसका? 9.99 से स्टार्ट हुई है सर पेट्रोल में, मतलब 10 लाख रुपए मान के चलो। हाँ, 10 लाख रुपए एक शोरूम है, 10 लाख से शुरू हुई है और टॉप स्पेक्स इसका गया है एक शोरूम 1760 का। 1760 का डीजल लोगे तो नहीं, ये आपका रहेगा बेसिकली इसमें नया इंजन है टीजीडीआई। हाँ, उसका सबसे टॉप स्पेक्स रहेगा आपका 1760 का, 1760 का एक शोरूम रहेगा। अगर ऑन रोड की तरफ जाओगे तो 20 के आसपास 20 वाला ब्रैकेट अप्रोक्स टच कर जाएगा 20 वाला। अगर बेस मॉडल किसी को लेना हो तो बेस मॉडल कितने का पड़ेगा? बेस मॉडल आप मान के चलिए यही करीब 11.5 के ब्रैकेट में आएगा, 11.5 लाख रुपए का मिल जाएगा बेस मॉडल। और ये बेस मॉडल में भाई वेटिंग पीरियड वगैरह रहेगा कुछ या नहीं? हाँ सर, वेटिंग पीरियड बेसिकली इसमें 4 सीरीज है आपके, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और एकम्प्लिश्ड। ठीक है, बेसिकली चारों सीरीज में ही वेटिंग पीरियड है, लगभग 2 से 2.5 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि दिवाली के नियर बाय आपको गाड़ियां अगर आज के टाइम पर बुकिंग कराती है। और टाटा की तरफ से मैंने सुना एक ऑफर भी आया कि जो ये 10 लाख रुपए का प्राइस है ये कुछ समय के लिए लिमिटेड है। हाँ, अगर आप 31 अक्टूबर से पहले पहले गाड़ी की बुकिंग कराते हैं तो आपका जो ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जो इतना अच्छा अमेजिंग प्राइस है, ये प्राइस आपका लगेगा, सेव रहेगा, यही प्राइस लगेगा चाहे गाड़ी 2 महीने बाद आए या फिर 3 महीने बाद। हाँ, जब भी मतलब गाड़ी की बिलिंग होगी तो आपका प्राइस यही वाला पुराना प्राइस ही आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि महिंद्रा की तरह गाड़ी आज बुकिंग करा दी 10 लाख में फिर 12 लाख रुपए? नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी 31 अक्टूबर से पहले गाड़ी बुक हुई है तो आपको यही प्राइस जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है यही प्राइस आपको 10 लाख रुपए। तो भाई देखो अगर आपको 10 लाख रुपए में गाड़ी लेनी है ना तो नंबर तो आ ही रहा है रोहित भाई का डिस्प्ले पे, आप एक बार कॉल कर लो और भाई अपनी गाड़ी बुकिंग करा लो। क्योंकि भाई जितनी जल्दी आप बुकिंग करा लोगे उतनी कम में आपको मिल जाएगी गाड़ी, नहीं तो फिर तो भाई बाद में क्या पता क्या रेट आएगा, 11 आए 12 आए कुछ नहीं पता अभी। जी जी ठीक है। तो भाई इस वक्त के फीचर के बारे में बताओ, इसके बाहर क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है गाड़ी? फ्रंट से हम अगर शुरुआत करें तो आप देखोगे एंड टू एंड कनेक्टेड एलईडी डीआरएल है इसमें आपके, बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है, आइस क्यूब मैट्रिक स्टाइल इसके फोग लैम्प है कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। फ्रंट में जो ग्रिल देखोगे बड़ी ही प्यारी पियानो ब्लैक फिनिश ग्लोसी फिनिश के साथ, ये आपको ग्रे फिनिश मिलेगी तो ये काफी लुक इनहेंस करती है। फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको एक माचो, जो माचो लुक होती है, रेट्रो लुक है, वो है इसकी, अग्रेसिव लुक अग्रेसिव लुक लगता है। हाँ, हाँ, पार्किंग सेंसर भी फ्रंट में दे फ्रंट रखे में है। पार्किंग सेंसर है, फ्रंट में कैमरा भी है इसके, 360 सराउंड व्यू कैमरा सपोर्ट है इसमें गाड़ी के अंदर। हाँ जी, अब आप इसके साइड में आते हो तो आप ये फ्लश डोर पॉप आउट डोर हैंडल देख सकते हैं, ये काफी यूनिक है इनमें। ये बीच में आप लाइट देखोगे, वेलकम लाइट है ये। हाँ, सेंसर वगैरह भी दे रखा है वो रिक्वेस्ट सेंसर है। अच्छा, जो ये इस गाड़ी के एलॉयज दे रखे ये तो कुछ ऐसे नहीं लगते जैसे सफारी के अंदर आते अपने? ये बेसिकली 18 इंच का अलॉय साइज है, इसमें एरो इंसर्ट है। हाँ, वो एरो इंसर्ट हमारी लेजेंडरी सफारी में भी है। हाँ, हमारे हैरियर में भी है, सब में है, सभी में है। इससे क्या है अलॉयज की लुक इनहेंस हो जाती है, लुक और उभर के आती है, मैसिव लुक आती है इससे। हाँ, मतलब कोई ना कहीं उसी से मैच करेंगे। हाँ, नीचे जो आप इसके क्लैडिंग देखेंगे ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में है, साथ ही साथ रियर में भी इसके इस बार डिस्क ब्रेक। अच्छा, जैसे ये गाड़ी नई आई है इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे फीचर है जो सफारी के अंदर भी नहीं आते? हाँ, आप देख सकते हैं कूपे इंस्पायर्ड लुक है इस गाड़ी की। हाँ, लुक हो गया, स्टाइलिश लुक तो डिजाइन है। साथ ही साथ इसका बूट आप देखेंगे 500 लीटर का मैसिव बूट है, आप अच्छे से अगर आपको कैंपिंग या ट्रेवलिंग का शौक है। हाँ, तो काफी अच्छा लगेज इसमें आ जाएगा। रियर सीट भी देखेंगे इसमें 2-वे रिक्लाइन एडजस्टमेंट है, रियर सीट भी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, 2-वे रिक्लाइन एडजस्टमेंट है इसकी रियर सीट्स में भी। ओके, 60-40 फ्लैट फोल्ड सीट्स हैं इसकी रियर में। चलो उसके बारे में करते हैं बात। अच्छा, गाड़ी की अगर बैक लाइट की बात कर ले तो वो डीआरएल वगैरह मिल जाते हैं पीछे? हाँ, एंड टू एंड कनेक्टेड टेल लैंप है, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर है। ठीक है, तो गाड़ी के एक बार इंटीरियर की बात करते हैं, गाड़ी के इंटीरियर पे क्या कुछ मिलता है? देखेंगे एक तो आप इसमें ये बर्गंडी थीम लेदर वर्क है। अच्छा, पूरा का पूरा लेदर स्टीयरिंग मिलेगा, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है। ये मिड पैटर्न देखेंगे, ये भी लेदर फिनिश में है, डोर पैड्स आपके लेदर में है, सीट कवर वगैरह मिलता है। ये बरगंडी थीम इंटीरियर है, ये काफी प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को। 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। ओके, विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो। हाँ, ये तो सारे अब तो टाटा पंच में भी आने लग गया ये। हाँ, वो ईवी वर्जन में है। 10.25 का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है।
क्लस्टर पे क्या कुछ शो हो जाता है? क्लस्टर में इसकी गाड़ी की सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक एज आपका क्रूज, ट्रीट ए, ट्रीट बी, इवन दो आप इसका मैप भी स्विच कर सकते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ का मैप भी उसमें देख सकते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर स्विच हो जाता है। ओके। बड़ी 12.25 इंच की फुल्ली डिजिटल टच स्क्रीन है, इसमें देखेंगे आप बिल्कुल भी लैग नहीं है, फुल्ली फंक्शनल टच स्क्रीन है। ये चीजें अब इम्प्रूवमेंट होने लगी है डे बाय डे। ये देखेंगे आप 62 कलर्स ऑप्शन के साथ इसमें एम्बिएंट लाइट है। 62 कलर में है ये? हाँ, इसमें आप अंदर से अलग अलग इसमें आप कलर थीम चूज कर सकते हैं एज पर योर कम्फर्ट। साथ ही साथ देखेंगे ये यहाँ पर दोबारा कार्बन फाइबर फिनिश में मिड ट्रिम आई है इसकी, ग्रे फिनिश में। टच बेस इसका सारा एसी पैनल है। ये एसी ऑटोमेटिक है इसके अंदर? हाँ, ऑटो एसी है इसके अंदर। आप देखोगे 360 स्पोर्ट व्यू इसमें यहीं से है। ओके। ये इसका 3D व्यू रहेगा ओवरऑल पूरी गाड़ी का, 360 डिग्री का। हाँ, सेगमेंट का सबसे क्लियर और सबसे वाइड एंगल प्रोवाइड कराते हैं इसके कैमरास। सफारी से भी कुछ ज्यादा इम्प्रूव्ड है। हाँ, इम्प्रूव्ड है। ऑटोमेटिक IRVM मिलेगा? IRVM है ये, आपके रडार सिस्टम है 4 ADAS। अच्छा, ADAS 2 लेवल ADAS आता है? लेवल 2 ADAS है और इसमें ADAS के भी 13 फीचर्स हैं। अच्छा, ये जो ADAS है ये कैमरा बेस्ड है या रडार बेस्ड है? ये कैमरा रडार दोनों कॉम्बिनेशन है, तब ये लेवल 2 ADAS है सर। अच्छा, लेवल 2 ADAS है। हाँ, ओके। अच्छा, वो लेवल 1 होता है जो खाली कैमरे पे चलता है फिर रडार पे चलता है? हाँ, ये लेवल 2 ADAS है। ओके। और गाड़ी के अंदर यहाँ मिलेगी आपको रीडिंग लाइट, फुल्ली एलईडी रीडिंग लाइट है। साथ ही साथ ये आपका पैनोरामिक सनरूफ है। हाँ, गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ है। साइड में ही इसके यहाँ पर एम्बिएंट लाइट है। अच्छा, अंदर भी? हाँ जी, हाँ जी, वो इवनिंग के व्यू में आपको दिख जाएगी। ओके। साथ ही साथ SOS इमरजेंसी ई कॉल बी कॉल बटन भी है इसमें, यही से आप इमरजेंसी हेल्प ले सकते हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, जैसा टाटा हमेशा अपने कस्टमर्स की सेफ्टी पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है इस बार भी। गाड़ी के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में। जो ग्लव बॉक्स देखेंगे ये भी आपका लाइट के साथ है, कूलिंग के साथ है। इवन दो इसमें प्रैक्टिकलिटी के लिए वॉलेट होल्डर, ग्लास होल्डर, पेन होल्डर, आपके डॉक्स होल्डर, ऊपर अलग से शेल्फ बना हुआ है डॉक्स के लिए, ये काफी अच्छा है। ये भी कोल्ड में आता है? नहीं, ये नॉर्मल है, मैग्नेट मैकेनिज्म के साथ है। ये यहाँ पर वायरलेस चार्जर रहेगा। अच्छा, मतलब अब इसमें कोई ऐसा स्विच नहीं होगा, बस सीधा डायरेक्ट ऐसे खींच सकते हैं इसको? हाँ, हाँ, हाँ। ये यहाँ पे मैग्नेट दे रखा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। ये वायरलेस चार्जिंग आएगी इसमें आपकी। अच्छा, ये बताओ वायरलेस चार्जर तो गाड़ी के अंदर दिया है, गाड़ी के अंदर कप होल्डर फ्रंट में कहीं भी नहीं दिख रहा। कप होल्डर्स बेसिकली क्या है सर, ये ग्लोव बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए दो कप होल्डर्स का। अच्छा, वहाँ दे रखे, वहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया है। अगर आप लोअर ट्रिम पर जाते हैं तो वहाँ पर ये पैड के बजाय आपको दो ग्लास होल्डर मिल जाएंगे। अच्छा, जो बेस मॉडल में जाओगे? हाँ, जो बेस में या आप टॉप से नीचे जाते हैं तो उनमें आर्मरेस्ट के जगह पे यहाँ पर कप होल्डर्स प्लेस्ड है आपके। ओके, कप होल्डर है, मतलब टॉप मॉडल में नहीं है? टॉप मॉडल में नहीं है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सी टाइप का फास्ट चार्जर है, एक नॉर्मल आपका एक्सेसरी सॉकेट चार्जर है। हाँ, और एक आपकी 12 वोल्ट का सॉकेट है, डाटा केबल के लिए है अलग से। इलेक्ट्रिक, फुल्ली इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है विद ऑटो होल्ड फंक्शन। ये तीन ड्राइव मोड्स हैं हमारे। ये तो सफारी, ये तो नेक्सॉन वगैरह सबके अंदर आते हैं, तीनों के तीनों मोड। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, 7 स्पीड का DCA ट्रांसमिशन है। और आप कह रहे थे कुछ यूनिक आया है या नहीं, तो डीजल में भी हम DCA ले आए हैं। अच्छा, डीजल के अंदर भी DCA है? डीजल के अंदर भी हमारा DCA ट्रांसमिशन अब ऑफर हो गया है। पेट्रोल इंजन दो आ गए हैं हमारे पास, रेवोट्रॉन और हाइपरियन, उन दोनों के अंदर भी DCA ट्रांसमिशन। अच्छा, अगर ये क्लस्टर किसी को कंट्रोल करना हो तो उसके कंट्रोल के बटन? कंट्रोल्स के बटन यहीं पर है। अच्छा, यहीं पे दे रखे हैं। इंस्ट्रूमेंट के सारे कंट्रोलिंग यहीं से रहेगी आपकी। ओके। जैसे इंफॉर्मेशन लेआउट सब वो आप यहाँ से सब यहीं से चेंज कर सकते हैं, सेटिंग वगैरह, ट्रिप करना है कुछ भी, मतलब इसी बटन से। ट्रिप जीरो करना हो, साइड में ही इसके क्रूज है। ओके। और ये आपके एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स आ गए, कंट्रोल्स है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है या मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा? मैनुअल एडजस्टमेंट है, सीट आपकी इलेक्ट्रिक है, सीट इलेक्ट्रिक है, स्टीयरिंग मैनुअल करना पड़ेगा। स्टीयरिंग मैनुअल है, ये सीट्स आप देखेंगे 6-way पावर्ड एडजस्टेबल है विद वेंटिलेशन। हाँ, ये तो वेंटिलेशन भी है, वेंटिलेशन है, साथ में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल। मेरे वाली सीट भी 6-way एडजस्टेबल है, इसको भी मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग 6-way एडजस्ट कर सकता हूँ। Okay. तो मैं अपनी हाइट भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अच्छा, वो मैनुअल है? हाँ, वो मैनुअल रहती है, सिर्फ ओनली ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। जी जी, वेंटिलेशन का ऑप्शन दोनों फ्रंट की बोथ सीट्स में रहेगा। साथ ही साथ ये देखिए, अब आपको इसमें ये रेड कलर की एम्बिएंट लाइट भी दिख गई होगी। हाँ हाँ, ये बंद होने के बाद दिख रही है। जी जी, ठीक है। एक बार गाड़ी के सेकंड रो में चलते हैं भाई। Sure. एंड सेकंड रो में जाके आपको दिखाता हूँ कि सेकंड रो में कैसा फील आएगी आपको, क्योंकि गाड़ी में पीछे बैठना भी इम्पोर्टेंट इतना है जितना आगे बैठना। Sure. जैसे रवि भाई हम इसकी रियर सीट्स में एंटर करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पर भी लास्ट में टाइप सी का चार्जिंग सॉकेट है। ओके।
एक आपका ये डाटा केबल के लिए चार्जिंग स्लॉट है, रियर में एसी वेंट आ गई, दो कप होल्डर्स आ गए विद आर्मरेस्ट। हाँ, ये कप होल्डर में मैंने एक चीज और भी नोट किया, इसमें रबर लगा रखी है, इसकी वजह से ग्लास वगैरह ना गिरे। अगर आप ग्लास छोटा ग्लास या बड़ा ग्लास रखते हैं तो दोनों कंफर्टेबली प्लेस रहेंगे। ओके, 60-40 स्प्लिट सीट है, आप देखेंगे तो इसमें आप अगर तीन पैसेंजर्स जा रहे हैं या चार पैसेंजर जा रहे हैं तो एक सीट इसमें फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। टू वे रिक्लाइन एडजस्टमेंट भी है रवि भाई इसमें, ये देखेंगे आप, वन और ये टू, ये टू वे रिक्लाइन भी है इसमें। ओके, बेनिफिट क्या होता है इससे, मतलब क्या है, अपना हेडरेस्ट आप कंफर्टेबल पोजीशन में लॉन्ग जर्नीज पर जैसे जा रहे हैं तो इसको रिक्लाइन करके आप कंफर्टेबली बैठेंगे गाड़ी में। ओके, हाँ जी, ये इधर चाइल्ड आइसोफिक्स, ये चाइल्ड सीट बेल्ट के लिए लॉक्स दिए हुए हैं और पांचों सीट बेल्ट का इसमें रिमाइंडर रहता ही है। साथ साइड में यहाँ पर रीडिंग लैंप्स आ गए हैं आपके पीछे की तरफ। हाँ जी, इंडिविजुअल दोनों साइड डोर हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। हाँ। अच्छा, कर्टन मिस है गाड़ी के अंदर? कर्टन इसमें नहीं है, कर्टन मिस है गाड़ी के अंदर। हाँ, वो सफारी में आते हैं, सफारी के अंदर आते हैं। इवन दो आप देखेंगे तो ये सीट बेल्ट में भी आपकी हाइट एडजस्टमेंट है। अच्छा, इनको भी अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी हाइट कम है वो नीचे कर सकता है इसको। कभी कभी ऐसा होता है ना, गले पे ऐसे फंस जाते हैं, सीट अटैच लगती रहती है तो कंफर्ट खराब होता है, तो उसके लिए ये पर्पस दिया हुआ है। ओके, वैसे पूरी गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी के लिए 42 स्पेसेस बने हुए, जैसे ग्लास होल्डर, पैन होल्डर, ये देखेंगे आप यहाँ पर हैंगिंग पॉइंट बने हुए हैं जगह जगह पर, ये हैंडल के पास भी, ऐसे पूरी गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी के लिए 42 स्पेसेस हैं सर। ओके, फ्रंट डोर पैकेट पॉकेट्स में इसके आप देखेंगे तो अम्ब्रेला भी प्लेस कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो देखा, मतलब जहाँ बोतल वगैरह रखते हैं उसके पीछे की तरफ डाल सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे तो प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, स्टाइल, सब कुछ बता दिया, कॉम्बिनेशन मिला के ये गाड़ी आपके लिए रेडी की है कंपनी ने। अच्छा, कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है किसी कस्टमर को? सर अभी तो क्या है, गाड़ी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रायोरिटी पर मिल रही है, और ये बेनिफिट ही है कि इंट्रोडक्टरी प्राइस 31 अक्टूबर तक आप देख ही रहे हैं कंपनी ने होल्ड किया हुआ, तो ये एक तरीके का आपका कंज्यूमर ऑफर ही है। हाँ, मतलब अभी अभी कोई डिस्काउंट, अभी नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं हो सकता है दिवाली वगैरह पे, कभी कुछ आए तो कभी इन फ्यूचर आए तो कह नहीं सकते, अभी तो गाड़ी वेटिंग पर है, आप भी देख ही सकते हैं कितना अच्छा प्राइस है गाड़ी का, क्योंकि ये डिजाइन लैंग्वेज बड़ी यूनिक है ये। बसाल्ट से तो फिर मुझे लगता नहीं इस गाड़ी का कोई कंपटीशन है। नहीं नहीं सर, आप देखेंगे ये फीचर लोडेड ट्रिम है सर, फीचर्स इसमें सर्विस नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा है उनके मुकाबले, बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर, कंपनी ने बहुत R&D करके इस प्लेटफॉर्म को, इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया है। ओके जी सर, ठीक है, तो भाई ये थी अपना टाटा की कर्व, जो प्राइस शुरू होते हैं ओनली 10 लाख रुपए से। अगर आपको गाड़ी बुकिंग करानी है तो नंबर आपकी डिस्प्ले पे अभी भी आ रहा है, आप बुक करा सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।